हेलो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 6, सो वेलकम इन अवर न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश 2। हियर वी आर डूइंग फर्स्ट ऑफ इन अवर नोटबुक। टुडे वी आर डूइंग अवर असाइनमेंट 24 पार्ट ऑफ स्पीच। सो रिगार्डिंग दिस हमें पहले नोटबुक में लिखना है पार्ट ऑफ स्पीच, आपको हेडिंग मेंशन करना है। देन वन ऑफ द ग्रुप दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 एग्जांपल नाउन वर्ब एडजेक्टिव एक्सर देयर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. But the four main part are noun, adjective, verb and adverb. Okay? ये आपके part of speech है। After this हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि word in English language is divided into 8 different classes called part of speech. A particular word belong to one of these part according to this function in a given sentence. जैसे कि the Muslim observe fast in Ramzan. तो what is the fast here? The Muslim fast in Ramzan. This is fast train. This train run fast. यहाँ पे fast क्या हुआ? The Muslim observe fast in Ramzan. ये fast, Muslim fast in Ramzan. ये noun हो गया, ये verb हो गया, ये verb हो गया आपका, और ये adverb, ये sorry. This one is verb. This one is noun. This one is your adjective and this one is your adverb. इस तरीके से एक ही वर्ड को हमने चार तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे, ओके ना? तो सेंटेंस वर्ड द वर्ड फास्ट इज नाउन, इन सेकेंड इज वर्ब एंड थर्ड इज एडजेक्टिव एंड फोर्थ इज एडवर्ब। यानी फास्ट को ही चार तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। अभी एक्सरसाइज है, सी इज प्रिटी गर्ल, तो प्रिटी इज एडजेक्टिव। द फार्मर गॉट अप अर्ली, तो अर्ली एडवर्ब हुआ। थर्ड ही वेटेड फॉर अ मिनट, वेटेड यानी ये क्या हो गया हमारा, वेटेड वर्ब, ही वेटेड वो वेट कर रहा है, यानी ये क्या हुआ हमारा, इट्स अवर वर्ब, ओके। नेक्स्ट है द बुक इज इन ड्रॉअर, तो बुक क्या है, बुक इज अ थिंग, सो इट्स अ नाउन, तो द बुक इज इन द ड्रॉअर इट्स अ नाउन। नेक्स्ट देखिए द कुकू सिंग स्वीटली, कुकू सिंग स्वीटली, कुकू अच्छे से गा रही है। वैसे एडवर्ब हमेशा हमारा सेंटेंस के एंड में ही होता है, तो स्वीटली तो ये एडवर्ब हुआ। ही स्लो वर्कर, स्लो है मीन्स वर्कर का ये वर्कर को डिस्क्राइब कर रहा है, स्लो है, सो दैट्स वाई इट्स अ एडजेक्टिव। ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वर्क करता है फैक्ट्री में, यानी ये क्या हुआ हमारा, इट्स अ वर्ब। वी मस्ट ईट स्लोली, स्लोली अगेन सेंटेंस के एंड में है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ एडवर्ब। सी सैट अंडर अ ट्री, ट्री इज अ थिंग, ओके, ट्री इज अ थिंग, सो दैट्स वाई इट्स अ नाउन। द गार्ड ब्लो द विसल, अब गार्ड आप कह सकते हो गार्ड तो रक्षा करना भी होता है, गार्ड इज अ पर्सन, तो यहाँ पे गार्ड ने विसल बजाई, दैट्स वाई ये गार्ड क्या है हमारा, नाउन, सो दिस गार्ड इज नाउन। सी इज अ नॉटी गर्ल, तो गर्ल को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ड नॉटी, सो दिस इज अ एडजेक्टिव, सो नॉटी इज अ एडजेक्टिव हियर। द ओल्ड वुमेन वेप्ट बिटरली, जो ओल्ड वुमेन है वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही है, तो इसलिए बिटरली वर्ड का यूज किया है, और बिटरली वर्ड यानी एंड में है, सो दैट्स वाई इट्स अ एडवर्ब। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट क्या हुआ, इंटेलिजेंट इज अ डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को, सो इट्स अ एडजेक्टिव। चेस इज एन इंटरेस्टिंग गेम, तो चेस कैसा गेम है, चेस इज इंटरेस्टिंग गेम, तो गेम को डिस्क्राइब कर रहा है इंटरेस्टिंग, सो इट्स अ एडजेक्टिव। सो चेस इज एन इंटरेस्टिंग गेम, सो इट्स अ एडजेक्टिव। ही बाउल फास्ट, मतलब वो फास्टली बाउल कर रहा है, यानी कि वो क्या हुआ हमारा, एडवर्ब, ओके। दे वेयर माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स है यानी पर्सनस है, तो दैट्स वाई इट्स अ नाउन। द पुलिस ब्रोट हिम टू द कोर्ट, पुलिस उनको कोर्ट लेके गई, ब्रोट यानी लेके गई, तो इट्स अ वर्ब। द बॉय स्टडीड हार्ड, हार्ड सेंटेंस के एंड में है फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स वाई इट्स अ एडवर्ब। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ इज अ नाउन, सो इट्स अ, हियर इज अ नाउन। यू आर अ वाइस मैन, तो यू कैन से दिस इज अ एडजेक्टिव, बिकॉज मैन को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड वाइस, तो यू आर अ वाइस मैन, ओके। सो इस तरीके से ये सब हुए, हमें ये सब कहाँ पे करना है, आपको होमवर्क डू इन वर्कबुक एंड नोटबुक, ओके।
So we will meet again in next session. Till then, bye. Thank you very much.